Hello friends, please subscribe my channel Knowledge Mall. हाय फ्रेंड्स, आज ये टेस्ट सीरीज की 17वीं वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है, यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी होगी, और कहा गया कि यह मानकर कि धागा सीधी रेखा में है। आइए, यहाँ पे अगर कोई पतंग उड़ाया जा रहा है और ये है हमारा धागा, कहता है कि और ये ऊंचाई जमीन से उसकी जो ऊंचाई है वो हमें निकालनी है। तो ये हुआ हमारा धागा यहाँ से, और यह पृथ्वी के साथ जो है क्षैतिज रेखा में 60 डिग्री का कोण बना रही है, और इसकी जो लंबाई दी गई है 150 मीटर। कहता है भूमि से पतंग की ऊंचाई, दैट मीन्स कि ये आपका निकालना है। तो ये हम निकाल, इसके लिए हम रखेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा पी वाई एच, ठीक है। ये हम इसे कहते हैं पी, ये हमारा एच, और ये होता है हमारा बी बेस, ठीक है। तो साइन थीटा से हम चलेंगे क्योंकि हमें पी निकालना है, अगर हमें बी निकालना रहता तो कॉस से चलते हैं हम। तो इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, थीटा का मान जो दिया गया है हमारा 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। पी का मान मालूम नहीं है और एच का मान मालूम है 150। साइन 60 डिग्री का जो मान हो रूट 3/2, ठीक है। पी का मान मालूम नहीं है, उसी को निकालना है 50। इसे अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 75 टाइम में, यानी कि हमारा P इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3 मीटर, ठीक है। और यही हमें निकालना था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ये 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2, इसका क्या करना है, आपको रेंज निकालना है। रेंज आपको इससे बहुत सारे, इससे ज्यादा भी डिजिट आपको दिया जा सकता है, कितना भी, तो रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यही होता है हमारा रेंज। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा देखिए इसमें हमारा है 21, सबसे छोटी संख्या इसमें है 1, इसे माइनस कर देंगे, हमारा आ गया रेंज 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। तो आइए देखिए, पंचभुज, पंचभुज अगर जैसे हम बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा हो गया पांच भुजा। अब कहता है इसका ये जो कोण है, सभी कोणों को अगर ऐड किया जाए तो वो कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि त्रिभुज बना लेंगे, ये देखिए एक त्रिभुज, ये दो भुजा बन गया, ये बन गया हमारा त्रिभुज। देखिए कितना त्रिभुज बना है, 1, 2, 3। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है हमारा होता है 180 डिग्री, और यहाँ है तीन भुजाएं, यानी कि कितने कोण बनेंगे, कितने डिग्री के, तो हमारा 540 डिग्री का कोण बनेगा, ये ऑप्शन नंबर है सी। अब अगर मान लिया जाए पूछेगा छह भुजा का, तो छह भुजा का भी हम बनाएंगे, 2, 2, 4 और 2, 6, इस पे एक ही बिंदु से लेकर हम जितने त्रिभुज बनेंगे हम उसे बना लेंगे। अब देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या जो है 1, 2, 3, 4, तो छह भुज में चार त्रिभुज हैं, तो कितने कोण हो जाएंगे, कोणों का योग कितना हो जाएगा हमारा, 720 डिग्री। इसी तरीके से हम बहुत सारे का निकाल सकते हैं, बट ये मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसे ऐसे नहीं बनाना है। जितने भी भुजा का पूछा जाए, ठीक है, तो हम, और पूछा जाए कि उसका योग कितना है, तो हम क्या करेंगे, जितना भुजा का पूछा जाए उसमें 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं एग्जाम्पल में दोनों का बता देती हूँ। पंचभुज है 5 में 2 माइनस कीजिए और 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और 3 × 180 हमारा कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। दूसरा है आपका 6 भुजा, ये 6 भुजा वाला था, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 आएगा 180, यानी कि
आपका 720 डिग्री। सात भुजा का पूछेगा, सात में दो माइनस करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 180 यानी कि 900 डिग्री का कोण बनेगा। आप इस तरह से करके जितना का भी पूछा जाए आप इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 160 रुपया है, एक क्रेता इसे दो क्रमिक कटौतियों के बाद 122 रुपया 40 पैसा इतने में खरीदता है। कहता है यदि पहली कटौती 10% है तो दूसरी कटौती कितनी होगी। मार्केट प्राइस पे जब भी मतलब जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका मार्केट प्राइस पे दिया रहता है, तो 160 हमारा मार्केट प्राइस है, पहली कटौती है 10%, अगर 10% की डिस्काउंट देगा तो लेगा कितना हुआ 90%। फिर मान लेते हैं हम कि दूसरा डिस्काउंट है X%, तो लेगा वह कितना, तो 100 − X%। और ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य, मतलब कि जो बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य, और हमने खरीदा तो हमारे लिए ये क्रय मूल्य, और खरीदा है कितने में, दाम उसका मतलब डिस्काउंट के बाद घट के कितना हो गया है 122.40। इसका पॉइंट हटाएंगे, 100 नीचे आएगा, ये 100 और 100 हमारा कैंसिल, 0000 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। आप इसे 9 से काट सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं हम, तो इतना गुने 100 − X = 12240। अब आप इसे काटिए, अगर हम इसे काटे तो देखते हैं, इसे 12 से काट के ये कट जाएगा, 12 से एक बार में 020 ये कट गया, फिर 12 से अगर हम काटते हैं और फिर इसे 12 से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 85 टाइम में, तो 100 − X = 85। एक्स को अगर हम उधर दे दे और 85 को इधर ले आए तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 − 85, यानी एक्स का मान कितना आ गया 15%, जो कि दूसरा डिस्काउंट हम लोगों ने माना था X% और एक्स का मान आ गया 15%, यानी दूसरा जो डिस्काउंट है वो हमारा 15%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। कहता है लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो लागत मूल्य का मतलब कि सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस, तो मान लेते हैं 100% है। अब जो है एमपी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस यानी 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, अंकित मूल्य यानी कि 100 में खरीदे और 20% ज्यादा यानी कि 120 हमने अंकित किया। अब कहता है कि इसे 10% छूट पर यह दे देता है, तो 10% छूट पे अगर बेचेगा एसपी सेलिंग प्राइस, तो 120 था, 10% छूट दे रहा है यानी कि 90% में देगा वह, यानी कि 108 में वह देगा, खरीदा 100 में दिया 108 में, तो कितने का लाभ हो रहा है हमारा 8%, चूंकि ये सब एग्जैक्ट नहीं था, ये सारे के सारे क्या थे परसेंट में थे हमारे, तो 8% का प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट है कि 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु को हटा दी जाए तो औसत आयु में एक वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। अब देखिए 24 लड़के और उनका एक शिक्षक है, तो 24 लड़के और प्लस एक शिक्षक यानी हो गए ये 25, इनकी औसत आयु है 15, यानी कि औसत टोटल योग अगर हम करें 25ों का तो 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 375 वर्ष, ठीक है, टीचर सहित। अब कहता है टीचर की अगर आयु को हम घटा दें, यानी कि 25 था टीचर लगा के और 24 स्टूडेंट, तो टीचर को हटा देंगे तो स्टूडेंट कितना 24, और औसत आयु में एक वर्ष की कमी यानी कि 15 थी औसत आयु, एक घट जाएगी यानी कि अब हो जाएगा हमारा 14, तो अब इनका पूरे स्टूडेंट का टोटल निकाल लेते हैं आयु, तो इसका हो जाएगा हमारा 336 वर्ष। अब कहता है कि टीचर की आयु, शिक्षक की आयु क्या होगी, अगर इसमें क्या है 24 स्टूडेंट और एक टीचर सभी सम्मिलित है, इसमें सिर्फ स्टूडेंट, अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो जो हमारा निकलेगा वह निकलेगा हमारा टीचर का, तो इसे माइनस करते हैं तो 9 ये हो जाएगा हमारा 3 ये कट जाएगा, यानी कि 39 वर्ष हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।